सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होते हैं? अ नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड अ प्लेस. नाउन क्या होते हैं? किसी भी चीज का नाम है, पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं. आप इस डेफिनेशन में देख रहे हैं आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग एंड अ प्लेस. यहाँ दो वर्ड्स और जुड़े हैं, आइडिया एंड क्वालिटी. आइडिया एंड क्वालिटी भी, इनका जो नाम दिया जाता है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं. एक डेफिनेशन और है इसकी, ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. क्या है नाउन? किसी भी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, मैन, राहुल, फर्नीचर एटसेट्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके काइंड्स ऑफ नाउन की. दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड सेकेंड इज अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं प्रॉपर नाउन, सेकेंड आपका कॉमन नाउन एंड थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन. अनकाउंटेबल के अंडर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन. बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलते हैं 5 टाइप के. ठीक भी है, ठीक है, लेकिन वो 5 नाउन किसके अंडर आते हैं? इन दो नाउन के अंदर आते हैं, जो क्या होते हैं आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. आगे बात करते हैं काउंटेबल नाउन की. काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल से आपको समझ में आ रहा है, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, वो नाउन या वो नाम जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वीना, गर्ल, स्टूडेंट एटसेट्रा. इसके अंदर आते हैं प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और अ थिंग. वो नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम, प्रॉपर नाम डिनोट करता है, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन. जैसे आपका और हमारा नाम, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर पर्सन में क्या आ जाएंगे? दिवाकर है, रोहित है, दीपिका है, एटसेट्रा. प्रॉपर प्लेस में इंडिया, दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा. नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉमन नाउन की. कॉमन नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग. जो क्या डिनोट करता है? किसी प्लेस का, किसी पर्सन का और किसी थिंग का कॉमन नाम. कॉमन नाम यानी कि जैसे हम प्रॉपर नाउन में किसी पर्सन के नाम के बारे में बात करते हैं, कॉमन नाउन में हम उसके नाम के बारे में बात ना करके उसकी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं. कम्युनिटी का मतलब कास्टर्स नहीं है, ठीक है, उसके बेसिस पे नहीं. कम्युनिटी का मतलब है जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन है, विमेन है, स्कूल, बुक, टेबल एटसेट्रा, ठीक है. जैसे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं. उसी भी कम्युनिटी से उसको डिनोट करते हैं. अब यहाँ दिवाकर है, तो दिवाकर की कम्युनिटी क्या हुई? बॉय हो गई. दीपिका है, उसकी कम्युनिटी क्या होगी? गर्ल हो गई. यही कम्युनिटीज होती है, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव से जैसे आपको समझ में आ रहा है कि कलेक्टिव मतलब क्या? कलेक्शन. अब कलेक्शन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएटर्स एंड द कलेक्शन ऑफ थिंग्स. वो नाउन जो किसी का ग्रुप है या किसी चीज का कलेक्शन है. ग्रुप किसके लिए? पर्सन्स के लिए यूज होता है. और कलेक्शन किसके लिए? थिंग्स के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स में क्या है? अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है. क्रू, टीम, क्लास, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, ओके. नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्शन ऑफ थिंग्स की. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ कीज, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. यहाँ फ्लीट, बंच, लाइब्रेरी, ये क्या है आपके? कलेक्टिव नाउन है. आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक चीज के लिए या हर एक नाउन के लिए एक अलग कलेक्शन या कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है. मतलब उसके कलेक्टिव का या कलेक्शन का
एक अलग नाम है, जैसे सेलर्स के लिए क्रू यूज हुआ है, प्लेयर्स के लिए टीम यूज हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए क्लास यूज हुआ है, यहाँ शिप्स के लिए फ्लीट यूज हुआ है, कीज के लिए बंच यूज हुआ है, बुक्स के लिए लाइब्रेरी यूज हुआ है, फ्लावर के लिए बुके यूज करते हैं, ठीक है, म्यूजिक के लिए किसी म्यूजिक बैंड के लिए आप बैंड यूज करते हैं, ये सब क्या होते हैं, ग्रुप के नाम होते हैं, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के ऐसे नाम हैं अलग अलग जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन जैसे अनकाउंटेबल समझ में आ रहा है, द नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, वो नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, या ये कहें कि जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं, मतलब उसे एज अ नंबर काउंट ना करके उसे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, वाटर, ऑयल, ओके। नेक्स्ट इसमें आते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है, अ नाउन दैट कैन बी ईदर मेजर्ड और वेग बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या हो गया, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और वेग कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, लेकिन उसे काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, मिल्क, राइस, गोल्ड, इन सबको हम किसी ना किसी क्वांटिटी में नाप सकते हैं, जैसे वाटर को हम लीटर में नाप सकते हैं, शुगर को हम किलो में नाप सकते हैं, मिल्क को फिर से लीटर में नाप सकते हैं, राइस को किलो में नाप सकते हैं, गोल्ड को आप कैरेट में नापते हैं, ठीक है, ये सब इनकी क्वांटिटी मेजरमेंट होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजरमेंट कर सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, किसी भी फीलिंग का नाम, ठीक है, किसी की भी फीलिंग का नाम जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ऑनेस्टी है, ब्रदरहुड है, चाइल्डहुड है, गुडनेस है, एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस से फील कर सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये होता है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, थैंक यू फॉर हियरिंग मी, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको लगता है कि ये टॉपिक सिर्फ छोटे से में निपटा दिया है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर किसी को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस हियरिंग मी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।